हेलो फ्रेंड्स, मुझे अपेक्षा है कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया है, फिट हैं। दोस्तों, दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द यू नो मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें लास्ट का हिस्सा फिलहाल पढ़ रहे फैमिलीज को। दोस्तों, आज हम जो फैमिली पढ़ रहे हैं वो हमारे किचन की बड़ी परमानेंट और बड़ी यू नो पॉपुलर बड़ी लोकप्रिय फैमिली है। उसका नाम है सोलेनेसी। यू नो फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलानेसी। दोस्तों, इस फैमिली को हम बोलते हैं पोटैटो फैमिली। दिस इज पोटैटो फैमिली, पोटैटो फैमिली, क्योंकि इस फैमिली का सबसे लोकप्रिय प्लांट है पोटैटो बटर। वैसे मैं इसके पहले एग्जांपल बोलता हूं तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आएगा इस फैमिली में कौन कौन आते हैं। इसके अंदर आता है पोटैटो बटर, उसके बाद आता है टोमैटो टमाटर टोमैटो, उसके बाद आता है ब्रिंजल ब्रिंजल, सारी सब्जियां हैं। उसके बाद आता है चिली मिर्ची, दतुरा, एक टोपा बेलेडोना, वो भी आता है। दोस्तों, ये सारे इसमें से अगर आप देखते हैं तो ये तो सब्जियां बनती हैं। बिना इस फैमिली के तुम किचन नहीं चला सकते। अब इस फैमिली का प्लांट कैसा है, उस प्लांट का रूट स्टीम लीफ कैसा है, उसका इन्फ्लोरेसेंस पुष्पगुच्छ कैसा है, उसका एक फ्लावर कैसा है, उसके अंदर का एंड्रोशियम कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गायनोशियम कैसा है, उसका फ्रूट कैसा है, बीज कैसा है, सब अब बातें हम स्टडी करेंगे। पहले शुरू करेंगे इसकी हैबिट से। हैबिट का मतलब होता है शरीर कैसा है, इसका शरीर रचना कैसी है। दोस्तों, जनरली ये तो प्लांट्स हर्ब्स होते हैं, कभी कभी ये थोड़े बड़े श्रब्स हो सकते हैं, और रेयरली देयर आर ट्री, रेयरली ट्रीज, बहुत कम बार ट्रीज दिखते हैं। वाइंस कम है, वेल वेली बेल नहीं है, ज्यादातर ये हर्ब्स और श्रब्स। हर्ब मतलब बहुत छोटी प्लांट, हर्ब। ये कहाँ मिलते हैं, इसका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट इसका मतलब इसके रहने की जगह, हैबिटेट। तो दोस्तों, ये प्लांट दुनिया भर में पाए जाते हैं इन ऑल द थ्री क्लाइमेटिक कंडीशंस। इट इज ऑल यू कैन सी दैट ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। इन तीनों एरियाज, इन तीनों क्लाइमेट्स में हमें ये मिलते हैं फैमिली सोलानेसी के मेंबर्स। इसके बाद हम जाएंगे इसके स्ट्रक्चर की तरफ, जैसे कि इसकी रूट सिस्टम कैसी है, हाउ आर द रूट्स। पहली चीज, इसके जो रूट्स है दोस्तों वो टैप रूट है, क्योंकि ये डायकॉट है, जनरली टैप रूट्स, समटाइम्स एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस। अब मैं एडवेंटिशियस और टैप रूट में फर्क बोलता, जो डायरेक्टली बीज सीड से बनते हैं वो टैप रूट होते हैं, सीड के रेडिकल से डेवलप होने वाली इज द टैप रूट। जैसे कि ब्रिंजल कलम नहीं लगती इसके, इसके डायरेक्ट बीज लगाते हैं। चिली टैप रूट, दतुरा टैप रूट, बरोबर है, टोमेटो टैप रूट। लेकिन बटाटे में जो है वो एडवेंटिशियस रूट है, काय को, क्योंकि बटाटा हम लगाते हैं जनरली सीड से नहीं लगाते, वो आंखें लगाते, बटाटे की जो आंखें होती है वो लगाते काट करके, दैट इज रूट्स आर यू नो टैप रूट्स। उसके बाद हाउ इज द यू कैन सी स्टेम, जनरली इनका स्टेम तो इरेक्ट होता है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा रहता है, स्टेम इज इरेक्ट। कई बार ये स्टेम हैरी होता है, हैरी। आपने टमाटा अगर देखा है भैया, टमाटा, मैं फल की बात नहीं कर रहा, मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ। मैंने किसी को बोला टमाटे का पेड़ कैसा होता है, तो बोला यू नो जूसी होता है और लाल होता है। भैया आप फल की बात कर रहे हैं, मैं प्लांट यू नो हाँ उसकी जो मदर है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको टमाटे लगते हैं। तो टमाटर का प्लांट अगर आप देखते हैं तो उसके बदन पे पूरे बाल ही बाल है, सफ़ेद बाल। इट इज स्टेम भी उसका हेयरी है, कुछ स्टेम ग्लैबरस भी होते हैं, ग्लैबरस स्टेम भी हो सकते हैं, और कभी कभी वो हॉलो भी होते हैं, हॉलो 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 स्टेम, मतलब कोपर हॉलो स्टेम। इस तरह से स्टेम ब्रांच भी है, ब्रांच स्टेम भी है, ये वो स्टेम। नाउ हाउ इज द लीफ, इसका पत्ता कैसा है दोस्तों। यू नो लीफ जो है इसके पत्ते, तुम्हें धोतरियाचे पत्ते बगीचे असतात, दतुरा जो रास्ते के साइड में कभी भी हमको दिखता है, वो सफेद फ्लावर होते हैं, कई बार उसको पूजा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फ्लावर ऑफ दतुरा धोतरा
तो उसके पत्ते कैसे दोस्तों, तो उसके जो पत्ते हैं जनरली यू नो सिंपल लीव्स है, इस फैमिली के पत्ते जो है वो जनरली कैसे पत्ते हैं, सिंपल लीव्स, सिंपल विथ रेटिकुलेट विनिश, सिंपल, कभी कभी कंपाउंड, जनरली सिंपल, कभी कभी कंपाउंड लीव्स है, ओके, और ये, और जनरली सिंपल लीव, समटाइम्स दे आर कंपाउंड लीव्स, दे आर यू नो विथ रेटिकुलेट विनिश, विथ रेटिकुलेट विनिश, और पिट्यूलेट, पिट्यूलेट मतलब उसको स्टॉक होता है, ये दोस्तों लीफ है। अब हम जाते हैं मेन पार्ट की तरफ, जैसे कि इनका इन्फ्लोरेसेंस, बटाटा टमाटा यू नो इनका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है दोस्तों। जनरली इनका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ना वो साइमोज दिखाई देता है, धोतरा वगैरह में सॉलिटरी एक्सिलरी भी है। मैं आपको बताता हाउ इज द इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस पुष्प गुच्छ, तो कई बार पुष्प गुच्छ तो नहीं होता, सिंगल पुष्प एक फ्लावर होता है, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं सॉलिटरी फ्लावर, सॉलिटरी फ्लावर, कैसा फ्लावर है दोस्तों, सॉलिटरी फ्लावर, कभी कभी इट इज एक्सिलरी फ्लावर, सॉलिटरी एक्सिलरी, हाउ इट इज सॉलिटरी एक्सिलरी, समटाइम्स इट इज साइमोस, साइमोस आप समझते हैं ना, जब एक से ज्यादा फ्लावर्स होते हैं तो अगर यू नो फ्लावर, पहला फ्लावर टॉप ऑफ द पेडंकल पे आता है तो उस पेडंकल की ग्रोथ रुक जाती है, तो उसको लिमिटेड मतलब इन्फ्लोरेसेंस बोलते, उसका ग्रोथ आगे नहीं होता, दैट इज साइमोस, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं ये। अब इसका फ्लावर कैसा है, हाउ इज द फ्लावर, हाउ इज द फ्लावर, हाँ द फ्लावर इज यू नो द पहली चीज तो फ्लावर कंप्लीट है, हाउ द फ्लावर इज कंप्लीट फ्लावर, द फ्लावर इज कंप्लीट फ्लावर, उसके बाद बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यू नो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक इसका मतलब होता है फ्लावर गोल है, एक्टिनोमॉर्फिक, मॉर्फिक सिमेट्री, यू नो रेडियल सिमेट्री, जब फ्लावर का सर्कमफेरेंस ऐसा राउंड होता है, गोल होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, और उसकी जो सिमेट्री होती है इट इज रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री कौन सी होती है दोस्तों, रेडियल सिमेट्री। उसके बाद फ्लावर विथ ऑल एंड्रोशियम गायनोशियम कंप्लीट है, मतलब सारे पार्ट्स प्रेजेंट है बाइसेक्सुअल है, मतलब दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब फ्लावर गोल है राउंड है, और उसके मेनी प्लेन्स में दो हिस्से पड़ते हैं, दो इक्वल पार्ट पड़ते हैं, सच फ्लावर इज द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब इसका हम क्या करेंगे, एक फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों, हाउ इज द यू नो फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द यू नो द फ्लावर ऑफ द सोलैनिस फैमिली, इसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसा है, फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ दिस फ्लावर इस तरह से लिखते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, ये रहा बाइसेक्सुअल, फीमेल सेक्स मेल सेक्स बाइसेक्सुअल। उसके बाद इसके कैलिक्स जो होते हैं, कैलिक्स, कैलिक्स होता है ना, उसके सेपल पांच है और वो यूनाइटेड है, मतलब गैमोसेपेलस कैलिक्स, हाउ द कैलिक्स इज, कैलिक्स इज गैमोसेपेलस हैविंग यू कैन से द वेलवेट एस्टिमेशन, वेलवेट एस्टिमेशन है कैलिक्स गैमोसेपेलस है। जो पेटल है वो पांच पेटल है करोला में, करोला में पेटल कितने हैं, ये करोला, सी फॉर करोला, पेटल पांच है एंड पांचों पेटल यूनाइटेड है इस गैमोपेटलस करोला, हाउ द करोला इज गैमोपेटलस करोला। एंड्रोशियम जो है उसके स्टेमन पांच है और वो इस करोला से यूनियन करता है, जब स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द यू नो करोला के पेटल्स इट इज कॉल्ड एज एपीपेटलस कंडीशन, epipetalous, epipetalous में एंड्रोशियम के स्टेमन करोला के पेटल्स के साथ जॉइन होते हैं। आप दत्तुरा का फूल डिसेक्ट करके देखो, आपको ये नजर आएगा डेफिनेटली। सो दिस इज द कंडीशन इन द केस ऑफ फ्लावर दैट स्टेमन्स अटैच टू पेटल्स, गैमोपेटलस, गैमोपेटलस स्टेमन्स, गैमोपेटलस सॉरी epipetalous स्टेमन्स, एंड गायनोशियम विथ टू कार्पेल्स, सिंकार्पस कंडीशन
एंड सुपीरियर ओर। ओर ही सुपीरियर तब बोलते हैं कि जब नीचे से हम लकीर खींचते हैं, फिर सुपीरियर ओर ही, अदरवाइज एंड इंटीरियर। दिस इज यू कैन से फ्लोरल फॉर्मूला। दिस इज व्हाट इज दिस फ्लोरल फॉर्मूला, ये है फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द यू कैन से फ्लावर। इसके बाद क्या क्या है देखो, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैलिक्स विद पांच सेपल, वेलवेट एस्टिवेशन, गैमोपेटलस कंडीशन, पांच को हमने ब्रैकेट में डाल दिया, करोला जो है उसके पांच पेटल है, पांचों पेटल यूनाइटेड है, इट इज गैमोपेटलस करोला, एंड एंड्रोशियम के पांच स्टेमन है जो करोला के पेटल्स को अटैच है, इट इज एपिपेटलस कंडीशन, एंड गाइनोशियम विथ टू कार्पेल्स, बाइकार्पेलरी गाइनोशियम है, सुपीरियर ओवरी। अब इसका फ्रूट एंड लास्ट को हम फ्लोरल डायग्राम भी इसकी हम निकाल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम, इसके फ्लोरल डायग्राम निकालेंगे, उसके बाद में हम सीड एंड फ्रूट की तरफ जाते हैं। दोस्तों एक एक से हमको निकालना है, वेलवेट एस्टिमेशन दोनों तरफ, यू कैन सी द वेलवेट एस्टिमेशन इन द केस ऑफ कैलिक्स ऑल्सो एंड करोला ऑल्सो, वेलवेट एस्टिमेशन दिखता है। देखो ध्यान से एक बार, यू नो दिस इज सपोज द फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, इसीलिए मैंने एक बार इसको गोल निकाल दिया, यू नो दिस इज। अब हम ये कैलिक्स निकाल रहे हैं, व्हाट इज दिस सेपल्स ऑफ कैलिक्स, ओके चार और ये पांच, ठीक है, ये क्या है सेपल्स ऑफ कैलिक्स। उसके बाद यू नो द पेटल्स ऑफ करोला, यू नो पेटल्स जो है वो भी पांच है, नो लाइक दिस, दिस आर द पेटल्स ऑफ करोला, दिस इज हैविंग आल्सो द वेलवेट एस्टिवेशन, दे आर फ्यूज्ड, दैट इज बाय फ्यूज्ड, अगर है तो गैमोपेटलस कंडीशन है तो वेलवेट एस्टिवेशन दिखता है, दिस आर व्हाट आर दिस ऑल द पेटल्स एंड लाइक दिस, ये इस तरह से। अब इसका जो एंड्रोशियम है एपिपेटलस स्टेमन्स है, ये एक स्टेमन, ऐसे पांच स्टेमन है जो इस पेटल्स को अटैच है, पेटल्स को कौन अटैच है स्टेमन्स, कितने अटैच है फाइव, कंडीशन कॉल्ड एपिपेटलस कंडीशन। सेंटर में दिस इज ओवरी, कितने लॉक्यूल्स पड़े दो, बाइकार्पेलरी, बाइलॉक्यूलर बाइकार्पेलरी, एंड दीज आर द ओव्यूल्स, यू नो ये ओव्यूल्स है लाइक दिस, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, दिस इज फ्लोरल डायग्राम, व्हाट इज दिस कॉल्ड फ्लोरल डायग्राम ऑफ सोलानेसी, कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गाइनोशियम, वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन, वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन एपिपेटल स्टेमन्स, बायलॉक्युलर ओवरी, बायकार्पेलरी गाइनोशियम, ओके सुपीरियर ओवरी। नाउ व्हाट इज यू नो फ्रूट, इसका फ्रूट एंड सीड कैसा है दोस्तों, इसके फ्रूट सरासरी तो जनरली तो कैप्सूल भी होते हैं और बेरीज भी होते हैं, समटाइम दे आर बेरीज। सीड्स जो है कैन बी यू नो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, पहली चीज तो एक कमर्शियल फैमिली है, दिस इज कमर्शियल, क्योंकि बैंगन है, टमाटर है, बटाटा है, मिर्ची चिली है, इसका बहुत बड़ा व्यापार पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में होता है, इट इज कमर्शियल फैमिली। उसके बाद इट इज ऑल्सो मेडिसिनल फैमिली, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है, एट्रोपा बेलेडोना, इसके कई ड्रग्स यू नो कैंसर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और ड्रग्स बोल के भी कई मतलब मेडिकल प्रैक्टिस में भी इनका इस्तेमाल, हैल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स बोल के इस्तेमाल होता है इन द केस ऑफ दत्तूरा वगैरह, सो ये भी इसका इंपॉर्टेंस पाया जाता है। टॉनिक्स के लिए भी कुछ अश्वगंधा जैसी प्लांट्स बनाए मतलब इस्तेमाल होती है। सो दिस इज द एक्चुअली फैमिली सोलानेसी। थैंक यू वेरी मच।